हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अभी न्यू ब्लॉग्स के अंदर सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल फाइन। तो गाइज आप सोच रहे हो कि मैं इस टाइम कहाँ पे खड़ा हूँ तो इस टाइम जो हूँ मैं हूँ हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में इसलिए हूँ क्योंकि जो सुनिधि जी का ब्लड टेस्ट करवाया था ना उसकी रिपोर्ट्स चेक करवाने की थोड़ा उनको मतलब ऐसे डॉक्टर्स ने कहा था करवाने के लिए रेगुलर चेकअप के लिए तो वहीं पर आया हूँ। अभी सुनिधि वगैरह जो है वो सब अंदर है, अब रश देख रहे हो तो वो अंदर है तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा चलो कुछ शूट ही कर लेते, सुबह सुबह शूट ही नहीं किया हुआ था तो बस यहाँ पर हैं बैठे हुए वेट कर रहा हूँ। अब क्या मतलब अंदर डॉक्टर फटाफट दिखा के आया यार, मैं ठंड लग रही है बाहर मुझे, मैं तो अंदर बैठने नहीं दे रहे। तो चलो कोई मसला नहीं। बाकी यार कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, तो मैं आपको कुछ अलग सा दिखा के बोर नहीं करना चाहता था इसीलिए। तो बस अभी स्मृति जी अंदर है और अंदर का एक छोटा सा आपको तो गाइज यार अब जो है हम लोग आ गए हैं शॉप पे वापस। तो सुनिधि जी भी अंदर चली गई हैं तो रिपोर्ट सब ओके ही थी, सिर्फ डॉक्टर को दिखाना था, सिंपल कंसल्ट करना था हम लोगों ने कि यार ये कुछ टेस्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं, तो थोड़ा डाउट था हमें तो वो हो गया है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी सुनिधि जी वो सामने खड़ी हुई हैं, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कोई आ गई मैडम, कैसे रहे आपके टेस्ट? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, नॉर्मल। यस वेरी गुड, नॉर्मल होना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइस टुडे इज नेक्स्ट मॉर्निंग, टुडे डे इज 22 दिसंबर, मतलब देखते ही देखते यार साल खत्म हो गया, 22 दिसंबर आ गई भी तो, और कुछ दिनों में है न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला, तो काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग्स भी शायद आ जाएं कि हम कहीं निकलें घूमने के लिए न्यू ईयर पे, कोई पार्टी वगैरह हो तो वो भी आएगी। तो सुनिधि जी मेरी दवाई लेके आ चुकी हैं और दवाइयाँ सिर्फ 3 ही बच गई हैं, ओनली 3। तो बस यार बाकी ब्रेकफास्ट कर लिया, मम्मी घर पे नहीं है बिकॉज आज आपको पता है 13th डे ऑफ माई मतलब वो जो मामा जी की डेथ हुई थी वहाँ पे 13 दिन है पूरे, तो वहाँ पे सभी गए हुए मैं और सुनिधि जी ही हैं। तो शॉप पे हूँ तो पापा भी शॉप है, पापा भी जाने वाले हैं, तो आज हमारे यहाँ पे जो बड़े दिन से गंद पड़ा हुआ था वो खत्म हो रहा है। ये वाली जो नाली साफ करे ना, इस नाली में ब्लॉक हो गया था और दिन रात यहाँ पे से चिक्कड़ चिक्कड़ आता रहता था, कुछ नहीं है कुछ नहीं, चिक्कड़ चिक्कड़ आता था यहाँ पे। तो अब ये भैया जो आए हैं वो ठीक कर रहे हैं सारा सिस्टम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉक हो गया था तो आज भैया ठीक कर रहे हैं, तो अब शुक्र है यहाँ पे गंद खत्म हो गया। क्यों जी, कितना चिक्कड़, उस वजह से क्या था दुकान के अंदर भी काफ़ी गंद रहता था। यहाँ पर जो हमारी सुनिधि जी हैं वो कर रही हैं दोपहर के लंच की तैयारी, और क्या काट रहे हो? बंद गोभी है ना। और राहुल भी अब जाने वाला है मामा जी के यहाँ। तो गाइज यार काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है इस टाइम मुझे, और हमारे सुनिधि जी को भी ठंड लग रही है, उन्होंने पोंछे वगैरह डाल लिया हुआ है। तो टाइम अभी हो रहा है 7:45, और आपको सुबह मैंने दिखाया था ना कि बाहर जो काम लगा था वो नाली जो वो ब्लॉक हुई, वो इतनी खतरनाक तरीके से ब्लॉक हुई है कि वो 7 बजे शाम को 7:45 बजे अभी तक वही काम चल रहा है। तो यार अभी मुझे भूख भी लग रही है, सुनिधि जी कह रही थी आपको जम्मू की जो होती है ना, हमने स्पेशल उधमपुर से कलाड़ियाँ मंगाई हैं ना, जो जम्मू की फेवरेट चीज़ है, मतलब खास चीज़ है जो अगर जम्मू के बाहर के लोग देखते हैं उनको बता रहा हूँ, कलाड़ी बड़ी सही चीज़ होती है, पनीर से बनाई जाती है, तो वो आपको दिखाऊंगा आज बनाकर कैसे बनती है, दूध से पनीर चलती है, मतलब कुछ भी है दूध से बनता सब कुछ। तो जैसे ही अभी होता है ये खाने का प्रोग्राम स्टार्ट तो मैं दिखाऊंगा बनती भी कैसे, तो पहले आपको बाहर दिखाता हूँ, जो बेचारे सुबह से मजदूर लगे वो काम क्लियर ही नहीं हो रहा यार, वो वाला समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, तो दिखाता हूँ आपको। तो यार आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये भैया सुबह से बेचारे लगे हुए थे, अभी इन्होंने लास्ट फैसला किया कि इसको तो पूरा यहाँ पर उखाड़ के वहीं से पाइप को घुसाएंगे फिर कहीं जाके ये जाके सेट होगा। तो बड़ी तो गाइस देख सकते हो ये भैया ने पूरा राउंड इसका पूरा फाड़ के जमीन को फिर कहीं जाके रखे, देखो पानी, अब इन्होंने अपनी फतेह कर ली है जो था मेन प्रॉब्लम, इन्होंने निकाल ली कि ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व भी करेंगे यही भैया। जो है आपको मैंने बताया कलाड़ी, तो मेरी कलाड़ी जो है बनके आ गई है, कलाड़ी का ब्रेड होता है ना ये, तो ये बनके आ गया हुआ, तो आपको पहले दिखाता हूँ अंदर से कैसी है, उसके बाद जैसे ये बनती है ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगा ठीक है। तो पहले खाते हैं फिर उसके बाद पहले दिखाते हैं फिर खाते हैं फिर आपको दिखाएंगे कैसी बनती है ठीक है। और राहुल भी आ चुका है, और अभी राहुल के लिए मम्मी ने बनानी है ना, तो उसमें शूट करेंगे कैसे बनती है, तो वो राहुल ही बताएगा। और ये दुकान क्लोज करके आ गया बस, ये कलाड़ी कुछ अंदर से होती है इस प्रकार की, अभी ये खोलना चाहिए, बस चिपक गया ना पीस, ये देखो ये मतलब ये पनीर दूध की बनी होती है ना, दूध से पनीर, पनीर से कलाड़ी, तो काफी ज्यादा अच्छी टेस्टी होती है चीज आइटम। तो ये अच्छी लगती है कलाड़ी? बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल ठीक है। ओके तो गाइस अब हम मैं वो खा के बताता हूं कैसी आइटम है, वो वैसे बड़ी तगड़ी आइटम होती है मगर फिर भी आपको दिखाता हूं। लास्ट टाइम हमने कलाड़ी कुलचा खाया था, ये ऐसा आपने देखा होगा, तो अब मैं कलाड़ी ब्रेड घर पे खा रहा हूं, आज हमने मंगाई अपनी मासी से उधमपुर से स्पेशल। अभी इसके साथ चटनी होती है फिर ज्यादा टेस्ट होना, बाजार में तो चटनी देते हैं बड़ी अच्छी, उससे और मजा आता है।
चलो अब आप देखो ये बनती है, बनने जा रही है ये कलाड़ी, और कलाड़ी की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये देखो ये इस तरह की होती है, समझ लो पनीर का ही बड़ा पीस होता है, बट ये कुछ और टाइप का होता है कुछ। ये नॉर्मली घर पे आप बना ही सकते हो, ये जो बनाते हैं वही, और पहाड़ों से आती है ये जम्मू में। ये देखो ये अंदर से ऐसे भी बने, अगर इसको हम दबाएंगे तो सही फ्लेवर तभी आता जब तक ये दबे ना। ये दबाने से अंदर से पक जाती है, इसीलिए दबाया जा रहा है इनको। तो ये आपका पीस सुनिधि जी के भी बनाया है, सुनिधि जी के लिए, तो वे भी खाएंगी अभी और मजे लेंगी। और हमारे घर में कुछ इस प्रकार इतनी सारी कलाड़ियां आई हैं, वाह मजा आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब 13, 14, 15 जो भी है किलो एक आई है। तो ये इस तरह से बन रही है, अभी और दबाई जाएगी। देख रहे हो अभी, देखो करारी क्या करते हैं। अभी सीधा जब रेडी होती है तब दिखाता हूँ, मतलब इस तरह से ही बनती है, बस इसको करारा करना है हमने और कुछ नहीं, पूरा काला करना, पूरा सही करारा। ये देख रहे हो इस तरह दबाते, ये जम्मू के अंदर जो है फेमस आइटम है कि यहाँ पर, मतलब जम्मू कश्मीर की ये सबसे अलग ही डिफरेंट आइटम है, पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं भी देखने को मिलेगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिलती है, और मैक्सिमम ये पहाड़ों में होती है, जैसे कि उधमपुर, पंचैरी, रामबन, मतलब पहाड़ों में, जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ है वहाँ मिलती है ये। और जो गुज्जर लोग हैं वो घर पर जिनकी गायें अपनी होती है ना, जिनका दूध जो खुद अपना दूध मतलब गाय से निकाल के करते हैं जो काम पूरा, वही लोग ये चीज़ें बनाते हैं। सुनिधि जी से पूछते हैं कैसी लगी इनको। सुनिधि जी टेस्टी है, सुनिधि जी अपने लिए अलग से चटनी इन्होंने बनाई होती है ना, ये उसके साथ खा रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्वादी हैं, स्वादली चीज़ें खाते हैं ये, स्वादली। ये देखिए ये देखो कैसे कैसे, ये देखो, और इनकी ये बहन का फ़ोन भी आ गया, तो ये वो करेंगे और खा लिया। इस प्रकार से हमारी जो कलाड़ी तैयार हो गई है, अभी भी हो रही है वैसे तो, ये देखो किस तरह से उबल रही है। ये देखो जी ये हो रही है हमारी कलाड़ी रेडी, देख लो आप जो बनी है या नहीं बनी, मगर ये कलाड़ी नहीं हुई ना अभी, ये कलाड़ी ये एक्चुअली बिल्कुल फ्रेश है ना, तो ये ऐसी ही बनती है, एक जो जब पुरानी होती है ना वो तो अलग ही तरह की बनती है। ये देखो ये मतलब वाह, ये अब मैं खा रहा हूँ यार, मेरी तीसरी कलाड़ी है, तीसरी कलाड़ी खा रहा हूँ मैं अभी, तो ये अब खाता हूँ और मजे लेते हैं, और सुनिधि जी तो अपने मजे ले रही है, और मैं भी ये चटनी एक बार जरा ना ट्राई करता हूँ। मैंने जो कलाड़ी खाई ना, पहले मैंने चटनी के बिना खाई थी, तो मुझे नहीं इतना ज्यादा मजा आ रहा, लेकिन लास्ट वाली इन्होंने मुझे कहा कि जो इसकी चटनी थी ना आप ये एक बार लगाओ, फट गया यार, मैं इतनी तगड़ी चटनी थी कि क्या बताऊं आप लोगों को। और अब सुनिधि जी अपने लिए और बना रही है पूरा मसाला शाला डाल के, जिसमें मतलब इसके स्वाद अलग ही है यार, मतलब ये ठीक है अपनी जगह, इसको जैसी चीज़ पसंद होती है ये वैसे ही बना के खाती है अपने, ये किसी को तंग नहीं करती कि नहीं जी मेरे को बना के दो ना, इसको जो खाना ना खुद वैसे वैसे तरीके से डालेगी बनाएगी फिर खाएगी। देखो अभी पहले हमने सिंपल कलाड़ी बनाई, अब ये देखो अब बन रही है पैंतमाकेदार कलाड़ी, और ये मुझे भी ये ग्राइड हो गए इसमें से, क्योंकि आप कुछ अलग तरीके से बना रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ये देखो ये मतलब सास ने अलग तरीके से बनाई है, बहू अलग तरीके से बना रही है, इसकी फाइनल जो फोटो होगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा फाइनल जब ये बन जाएगी ना। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं यार वो जो बंदे काम कर रहे थे उनका हुआ काम खत्म या नहीं। देख सकते हो ये इतना बड़ा गंद इन्होंने यहाँ से निकाला, ये सारा का सारा जो गंद है ये उस नाली में फंसा था, जिसकी वजह से सारा का सारा ये जाम मतलब हो गई थी ना नाली, पूरा गंद पड़ गया था। अब इन्होंने ये पूरा दिन लगा के अपनी हिम्मत से काम कर ही दिया ये वाला खत्म, इसलिए जो है अभी ये छोटा सा पीस कट कर रही है, क्योंकि मैंने कहा था मुझे हाँ सिर्फ काट रही है। ये मेरे लिए है जी, ये देखो इसमें डालो 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 डालो, तो आप हम ये खाएंगे और इंजॉय करेंगे और ऊपर जाएंगे। तो गाइस अभी जो है यार हम लोग ना अपने, मैं बहन के घर में जा रहा हूँ अभी, तो मैं और सुनिधि मेरी सिस्टर जो है एक उसके घर में जा रहा हूँ, तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं वहाँ का भी क्या माहौल है, और अगर कुछ होगा तो वहाँ का भी शूट, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाने वो दूसरी गली में रहते हैं। तो गाइस हम लोग जो है वहाँ पे अपनी सिस्टर के घर से आगे थे, मतलब वहाँ से आगे थे हम सिस्टर के घर से, तो आज इतना ज्यादा हमने कुछ खा लिया ना कि अब रात को मैं डिनर नहीं करने वाला हूँ, मेरी बस हो चुकी है। तो सुनिधि जी भी कलाड़ियाँ मैंने यार बहुत खा ली, कलाड़ी भी ब्रेड भी और बाद में कुलचा भी खा लिया, तो क्या यार मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका हुआ है। तो बस यार अब आज के व्लॉग का मैं यही कर देता हूँ, बाकी यार दो दिन व्लॉग नहीं आया था उसके लिए माफ़ी, बट कुछ इतना खास मिल नहीं रहा था, तो आज मैंने चलो शुरू कर दिया, मैंने कहा यार आप लोगों से ज़्यादा दूर मैं रह नहीं सकता, तो अब कल से आप देखना, कल से नहीं छोड़ूंगा मैं, कल से तगड़ा व्लॉग बनाऊंगा पक्का।
तो चलो यार आज के ब्लॉग का एंड में करता हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय बाय।